नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। आज हम अपने पूर्व के वीडियो के आगे की सामग्री का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा की। आज हम राजस्थान के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास के संकलन में आवश्यक तथ्यों की प्राप्ति के लिए साहित्यिक स्रोत भी महत्वपूर्ण हैं। साहित्यिक स्रोतों को हम भाषा के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा और इसके अतिरिक्त विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा जो विवरण दिए गए हैं उन सभी को हम साहित्यिक स्रोतों के अंदर अध्ययन कर सकते हैं। जब हम सबसे पहले संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में हमें वैदिक साहित्य में ही हमें राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम वैदिक साहित्य में अगर देखें तो वेदों में रेगिस्तान के लिए धनु शब्द का प्रयोग किया गया है जो राजस्थान के संदर्भ में उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जो नदीतमे सूक्त है उसमें हमें सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है जो कि राजस्थान के क्षेत्र से प्रवाहित होती थी। इसके बाद हमें वेदों के बाद रामायण और महाभारत में भी राजस्थान के संदर्भ में जानकारी मिलती है। महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास के संदर्भ में पांडवों ने अपना एक वर्ष का अज्ञातवास राजस्थान के ही क्षेत्र वैराट में या राजा विराट के यहाँ बिताया था। कालांतर में भी हमें शिशुपाल वध, कवि माघ की रचना शिशुपाल वध से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें बाद में संस्कृत साहित्य जो कि राजस्थान के विभिन्न शासकों के समय लिखा गया उससे भी राजस्थान के इतिहास के तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा लिखा गया कुंभा के द्वारा लिखी गई विभिन्न पुस्तकें एकलिंग महामात्य, इसी तरह से भट्टी महाकाव्य, राज विनोद, पृथ्वीराज राशो, हम्मीर राशो, कानड़ देव प्रबंध, कयाम खा राशो आदि विभिन्न ग्रंथ हैं जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न परिदृश्यों की जानकारी मिलती है जिससे राजस्थान के इतिहास का संकलन आसान होता है। उसके बाद हम अगर दूसरी भाषाओं की बात करें तो प्राकृत और पाली भाषा में भी हमें राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हमें जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथ जो मूलतः प्राकृत और पाली भाषा में लिखे गए थे उन्हीं से हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। उनमें से एक महाजनपद मत्स्य महाजनपद का संबंध राजस्थान से सीधा सीधा था जिसका की राजधानी विराटनगर या बैराट थी। और इसके अतिरिक्त शूरसेन और कुरु जनपद का संबंध भी कहीं ना कहीं राजस्थान के साथ था। इसके बाद हमें हिंदी की बात करें तो हिंदी के साहित्य से भी हमें राजस्थान के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा राजस्थान के इतिहास की जो जानकारी है वो हमें राजस्थानी भाषा के साहित्य से प्राप्त होती है। राजस्थानी भाषा के साहित्य की अगर हम देखें तो राजस्थानी भाषा के साहित्य में विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई जिनमें ख्यात साहित्य, रासो साहित्य, वाचनिका साहित्य, वाद साहित्य आदि अनेक प्रकार के साहित्य हैं। ये राजस्थानी गद और पद दोनों में मिलता है हमें। जैसे हम अगर ख्यात साहित्य की बात करें तो राजस्थानी भाषा में राजस्थान के इतिहास के सबसे ज़्यादा जानकारी जो है वो ख्यात साहित्य में प्राप्त होती है। ख्यात साहित्य में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें मुंडियारी ख्यात, जिसे हम राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं, जिसका संकलन जसवंत सिंह के समय किया गया, इससे हमें मारवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो मोहनौत नैणसी, जिनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, उनके द्वारा रचित नैणसिरी ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत के द्वारा हमें राठौड़ वंश का इतिहास और मारवाड़ के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा मारवाड़ के इतिहास के साथ साथ नैणसी के जो ख्यात है उससे हमें अन्य राज्यों का इतिहास भी पता चलता है। इसके बाद हमें बाकीदास, जो कि जोधपुर के शासक मानसिंह के समय थे, उन्होंने बाकीदास ख्यात लिखा और उससे हमें जोधपुर की तात्कालिक समय की जानकारी प्राप्त होती है। इसी ख्यात में बाकीदास जी ने मानसिंह को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने के लिए सही नहीं माना और उनको इस बात के लिए कोसा। इसके अतिरिक्त हमें
बीकानेर के नरेश रतन सिंह के समय दयालदास द्वारा रचित दयालदास की ख्यात से भी उस क्षेत्र का इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दयालदास की ख्यात को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले खंड से हमें राव जोधा तक के इतिहास की जानकारी मिलती है और दूसरे से हमें राव बीका से लेकर रतन सिंह तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा वाचनिका साहित्य भी है। वाचनिका साहित्य जो है उसमें हमें अचलदास खिचीरी वाचनिका और दलपत विलास, ये दो ग्रंथ सर्वत सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त वाद साहित्य जिसमें वीरमदे सोनगरारी वाद सबसे महत्वपूर्ण है आदि राजस्थानी साहित्य हैं जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमें विभिन्न फारसी और तुर्की पुस्तकों से और इनमें भी मूलतः फारसी पुस्तकों से हमें पर्याप्त राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे ताजुल मुआसिर तबकाते नासिरी जो कि गुलाम वंश के प्रारंभिक चरण में राजस्थान के संदर्भ में हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अमीर खुसरो जिसके द्वारा हमें अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान अभियानों जिसमें जालौर रणथंबोर और चित्तौड़ के अभियानों का उल्लेख है उनके बारे में जानकारी मिलती है। हमें जियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फिरोजशाही से भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त तारीख़ मुबारकशाही, इसके अतिरिक्त बाबरनामा हुमायूंनामा, इसके अतिरिक्त अकबर के समय की अबुल फजल द्वारा रचित तबकाते अकबरी या अकबरनामा से हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें साजा के समय रचित साजानामा से भी हमें राजस्थान के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमें विभिन्न विदेशी यात्रियों के विवरणों में भी राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे चीनी यात्री फाइयान और हेनसांग जब भारत आए तो हेनसांग ने अपने विवरण में लिखा कि राजस्थान के दो क्षेत्रों जालौर के भीनमाल और बैराट का वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त कालांतर में जो अरबी यात्री सुलेमान आया उसके उल्लेख में भी राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत अति महत्वपूर्ण हैं। हम इस वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे। हमारे अगले वीडियो में राजस्थान के विभिन्न इतिहासकारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।